हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, स्किन केयर रूटीन में जो हमें डेली फॉलो करनी होती है उसमें तीन स्टेप मेन होते हैं, क्लींजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग। उसमें से जो फर्स्ट स्टेप है क्लींजिंग की, वो अगर हम घर के इंग्रेडिएंट्स यूज करके करते हैं वो ज्यादा बेनिफिशियल होगा, क्योंकि वो स्किन के लिए अफेक्ट नहीं करेगा, उसमें केमिकल्स नहीं होंगे एंड अच्छा रिजल्ट तो वो देंगे ही। तो उसके लिए जो बेस्ट एंड सिंपलेस्ट क्लींजिंग की मेथड है वो मैं आपको आज बताने जा रही हूँ। चलो मेरे साथ आप भी कर लीजिए। घर के ही दो इंग्रेडिएंट्स है, बहुत ही इजीली सभी के पास अवेलेबल होंगे। उसके लिए फर्स्ट इंग्रेडिएंट लगेगा वो है दूध। यहाँ पे अगर आप कच्चा दूध लेते हो तो ज्यादा बेटर रहेगा, ज्यादा इफेक्टिव रहेगा। यहाँ पे मैंने इसमें दूध लिया है, जितना रिक्वायर्ड है उतनी ही क्वांटिटी आपको लेनी है, 1 टेबल स्पून सफिशियंट होगा। उसमें आपको ऐड करना है 1 टेबल स्पून हनी। जितनी आपने दूध की क्वांटिटी ली है उतनी ही आपको हनी लेनी है। नेक्स्ट, इन दो इंग्रेडिएंट्स को आपको अच्छे से मिक्स करना है। तो यहाँ पे मैंने इन दो इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर लिया है, आप देख सकते हो। मिक्स करने के बाद अच्छी सी ये पेस्ट बन जाती है। इसे आपको चेहरे पर और गले पर अच्छे से मसाज करना है। 5 मिनट तक अच्छे से मसाज करने के बाद, 2 मिनट आप वैसे ही लगा के छोड़ सकते हो, अदरवाइज वैसे भी आप साफ कर सकते हो, लेकिन डायरेक्टली वॉश नहीं करना है। सबसे पहले आपको एक कॉटन का बॉल लेना है। कॉटन बॉल लेके अच्छे से इसे पोंछ लेना है। पोंछते वक्त कॉटन का बॉल थोड़ा सा गुलाब जल डाल के वेट कर लीजिए। जो गंदगी साफ करनी होती है, जो क्लींजिंग की मेन रिक्वायरमेंट है, वो कॉटन से ही पूरी होगी। क्लींजिंग में जो टैननेस होता है वो निकलना चाहिए, वो कॉटन से निकल जाता है। जो पानी से डायरेक्टली धुलने के बाद नहीं निकलता है, तो वो निकलने के लिए आपको कॉटन ही यूज करना होगा। डायरेक्टली वॉश मत कीजिए। कोई भी DIY ट्रिक हो या फिर स्किन केयर रूटीन हो, उसमें ऐसे छोटे छोटे ट्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जो अच्छा रिजल्ट देने के लिए काम आते हैं। वैसे ही यहाँ पे ये ट्रिक है। इसे जब आप 5 मिनट तक अच्छे से मसाज कर रहे हो, वो मसाज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड उसके बाद कॉटन से आपको साफ करके लेना है। आप 2 मिनट रखिए या ना रखिए इतना मैटर नहीं करता है, लेकिन बाद में आपको कॉटन से इसे साफ करके लेना है। आप देखेंगे बहुत गंदगी निकल जाती है। ये कॉटन पहले पहले तो आपका काला पड़ जाएगा, जो टैननेस होता है, रफनेस होता है, वो उससे निकल जाता है, गंदगी निकल जाती है। तो फ्रेंड्स, ये जरूर ट्राई करके देखिए। उसके बाद आपको वॉश आउट करना है रेगुलर वॉटर से। तो ये आप दिन में 2 बार भी ट्राई कर सकते हैं, मॉर्निंग में एंड नाइट में। एक बार किया तो भी सफिशियंट है, लेकिन डेली करना है। आपको 1 वीक में ही बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। स्किन बहुत अच्छे से साफ होती है, स्मूथ होती है, ग्लोइंग लगती है, बेबी सॉफ्ट स्किन हो जाती है। पक्का ट्राई करके देखिए। अपना रिजल्ट मुझसे शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए, जिससे आपको अगले आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहेगी। तो फ्रेंड्स, जल्दी से इस वीडियो को लाइक कीजिए एंड मिलते हैं अगले वीडियो में और भी ऐसी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू एंड टेक केयर।